तो अभी जो आप जैसे छोटे फाइनेंसिंग पे ज्यादा फोकस रहता है, तो अभी बैंक का किस तरह के प्रोडक्ट्स आप ऑफर कर रहे हैं जो ज्यादा से ज्यादा कैटर करें, क्योंकि हमने देखा है पिछले साल भर के अंदर आपने बैंक का एक्सपेंशन भी काफी ज्यादा किया है, ब्रांचेस काफी ज्यादा खोली है। देखिए, हमने ब्रांचेस तो वही खोली थी जो हमारी एनबीएफसी की ब्रांचेस थी, लेकिन बैंक जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ह्यूज है। हम लोग उस वक्त खाली लेंडिंग करते थे, लेकिन अब हम डिपॉजिट भी लेते हैं, हम पेमेंट्स भी कर रहे हैं, हम कलेक्शंस भी कर रहे हैं, हम नॉन फंड बेस भी कर रहे हैं। तो ये सब प्रोडक्ट नेचुरल होते हैं बैंक में। कस्टमर आके पूछता है काउंटर पे कि आप मेरा इंश्योरेंस करोगे, क्या मुझे गोल्ड लोन दोगे, क्या मुझे पर्सनल लोन दोगे। तो यदि आपको बहुत एक अच्छा बैंक बनना है तो आपको कस्टमर को होलिस्टिकली सर्व करना पड़ेगा। लेकिन हमारे जो मेन प्रोडक्ट है जो हम 20 साल से जो करते आ रहे हैं, वो एक तो व्हीकल फाइनेंस है। हम 2 व्हीलर से 22 व्हीलर करते हैं, चाहे आप पर्सनल यूज करिए, चाहे आप ट्रांसपोर्ट में यूज करिए, चाहे आप कैप्टिव यूज करिए, उसकी एंटायर रेंज है। हम छोटे लोन, क्योंकि जो हमारा क्राइटेरिया भी है कि 50% लोन हमारे 25 लाख से नीचे होने चाहिए, वो करीब 60% है हमारे। तो हम छोटे व्यापारियों को, ट्रेडर को, सर्विस एंटरप्राइज को 25 लाख से नीचे का लोन देते हैं। वो भी हमारा बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है और हमारी 40% लोन वहीं से आते हैं। सो ये दो बड़े फोकस हैं। हाउसिंग लोन हमने अभी नया चालू कर दिया है। सो आई थिंक आप यदि बैंक में जाएंगे तो 18 महीने में हमने करीब 28 प्रोडक्ट लॉन्च कर रखे हैं। तो आपको एक एक अच्छे बैंक की आपको खुशबू आएगी और आप देखेंगे कि हम सबको कस्टमर को ध्यान में रखते हुए डेवलप कर रहे हैं।